और जब गुरु के सत्संग में भेजोगे तो सचमुच तेरा लड़का राम के स्वभाव का होगा, कृष्ण के स्वभाव का होगा, लव कुश के स्वभाव का होगा। और लव कुश के विषय में जानते ही हैं कि हार गई धरती जिससे रावण भी थर आया था, मेघनाथ की बलि हुई, फिर वो भी लखड़ भी मूर्छा खाए थे ना, हनुमान को बांध दिए, अब अश्वमेध यज्ञ होने जा रही है। कहाँ होने जा रही है सुदर्शन जी महाराज, कहाँ होने जा रही है? हमारे कृष्ण भगवान अब पधारे, धन्य हुआ है, धन्य हुआ। हम थोड़ा लेट कर गए। कारही मत ही घट गए जो भी गुमारी लात। थोड़ी सी बात थोड़ा हट करना है उसी में से है। देखो क्षमा करना सीखो, क्षमा करना सीखेंगे वही महान। और महान लोग क्षमा ना करें तब तो ये तो बड़ा दुख की बात है। अब कौन आएगा? और जो क्षमा करता है, जो क्षमा करता है, सुबह क्लास चलाए तो क्षमा पर ही चलाए थे। यदि क्षमा करने की आदत आ जाए ना तो सचमुच कहता हूँ आपके अंदर वो महानता आएगी जो किसी में महान ही है। केस पकौरी करे जो घाता तव अनहे तव उतारे माता, कहे कबीर एक बोधि विचारी, बालक दुखी दुखी महतारी। तो आप ममतामयी है, करुणामयी है, लोगों के आदर्श हैं, और आप हमें नहीं विश्वास, आपका हृदय नहीं बोल सकता, जुबान बोल सकती है। हम बर्फ कह दे मैं गर्म हूं, आग बोल दे मैं ठंडा हूं, नहीं मान भले कर, एक महान आत्मा ऐसी बात नहीं हो तो छोड़ो। आप तो उस महाशक्ति में है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमेशा अविरल रहने वाले महान विभूति हैं। देखिए पढ़ने की एक बात मैं सभा के इस मंच से कह रहा हूं, जौहरी पहचानता है, मैं जौहरी हूं, आप क्या हैं आप जानेंगे, लोग क्या जानेंगे, उसको मैं पहचान कि कितने भाग्य और पुण्य से आप